नेक्स्ट टॉपिक है भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग भी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग, ये रिंग बोलते हैं इसको भी। रिंग क्या होती है? जिसकी बाउंड्रीज होती है, बीच से खाली होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग रिंग। अगर बीच से भरी हो तो इसको डिस्क बोलते हैं। एक रुपये ऐसे का देखा होगा वो भरा है भाई, क्या बोलते हैं इसको? डिस्क। स्पीयर अलग होता है भाई, कर पाओगे? डायग्राम ऐसे बनाते हैं हम लोग सभी के गोले। ये रिंग होती है, रिंग क्या होती है? जो बाउंड्रीज शेप में, सिर्फ बाउंड्रीज पे ही मास होते हैं भाई, बीच से खाली, उसको क्या बोलते हैं? रिंग। ठीक है, कर लोगे? आपको निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना होगा। हम यहाँ पे निकालेंगे क्योंकि सिलेबस में दो ही पॉइंट दे रखे हैं अभी, रिंग का और डिस्क का भी। स्पीयर भी होता है, सर्कल भी होता है, ठीक है ना, कौन भी होता है, रेक्टेंगल्स भी होती है, ट्रेंगल्स भी होती हैं, सबका होता है भाई। नहीं इतना बड़ा टॉपिक यूनिट बहुत बड़ी बन जाती है उसमें। तो बकवाड़ा क्या कर रहा है सिर्फ दो का निकालना सिखा रहा है आपको, बाकी बोलता है कि फॉर्मूला याद कर लो भाई। ठीक है, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे हम भी। तो हमें निकालना रिंग का भी, हमारे पास ये रिंग अभी क्लास, दिस इज रिंग ऑफ रेडियस आर भी मान लेते हैं। कितना रेडियस है इसका? एक रिंग है, इसका रेडियस कितना है? आर। और इसका सेंटर है अभी, ये सेंटर होगा। अब ये रिंग कैसे घूम रही है अभी, इसका घूमना तरीका देखिएगा। एक लाइन इसके यहाँ से पास कर रही है सेंटर से, ये इसके अराउंड घूम रही है, इसको बोलते हैं लाइन इज पासिंग परपेंडिकुलर टू द सेंटर भी, परपेंडिकुलर टू द सेंटर। अब इसकी ये क्या होती है? इसकी इट इज कॉल्ड प्लेन, प्लेन ऑफ द रिंग के क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये ऐसे घूम रही है। तो आपको बताना है इस एक्सिस के अराउंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आई कि नहीं आई? तो एक्सिस यहाँ से पास कर रही है, इट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन भी, इसके अराउंड निकालना आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिखिए एक बार जल्दी से, लिखिए वी हैव ए रिंग, वी हैव ए रिंग ऑफ मास एम, कैपिटल एम ले लेते हैं, ऑफ मास एम एंड रेडियस आर वी। We have a ring of mass m and radius r. Radius क्या यूज कर रहे हैं? r भी। ठीक है, तो आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके केसेस बनते हैं भाई, अभी जो कर रहे हैं पहला केस बना रहे हैं इसको, कैसे अभी यूज नहीं कर रहे, एक्चुअली में पहला केस यही है अभी। ये रिंग अभी आपकी रिंग को वैसे बना रहा हूँ, देखो अभी ऐसे क्यों बनाया? ये रिंग मैंने ऐसे रख रखी भी ऐसे, इसलिए बनाया। ये लाइन है इससे पास करते हुए, कौन सी लाइन? यहाँ पे इसके अराउंड आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये ऐसे घूम रही है, समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, कुछ भी मान लो, इट इज वाई वाई डैश मान लो। ये क्या इसका रेडियस है भाई? इट इज आर, यही था ना। पूरी रिंग का मास कितना है? एम। अब हम कैसे निकालेंगे? देखो हमने जो टॉपिक किए हुए हैं वो तो हमने ऐसे किए हैं कि इसमें कितने पार्टिकल्स, उसका निकाला हुआ है हम लोगों ने आंसर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एम आर स्क्वायर लिखते हैं सिंपल फॉर्म में, यस और नो? लेकिन इंडिविजुअल्स तो निकालने पड़ेंगे मेरे को, हर एक पार्टिकल्स का, हर एक एलिमेंट का भी। मान लेते हैं इस रिंग के मैंने एलिमेंट के, इस रिंग को तोड़ दिया अभी स्मॉल पार्ट्स के अंदर भी, ये हो गया इसका स्मॉल एलिमेंट भी, इसको कट कर दिया छोटे छोटे पार्टों में भी, इक्वल पार्ट्स के अंदर। हम क्या करें, एक पार्ट का निकाल लें और पूरे के लिए क्या कर दें उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, या हर एक पार्ट का निकाल लें जोड़ दें, एक ही बात होती है, यस और नो? ये जो एलिमेंट बना है इसकी लेंथ कितनी मान लेते हैं? डीएल मान लेते हैं। कितनी लेंथ है इसकी? डीएल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आपको बताना है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट डीएल। इसका निकाल लेंगे, इस तरह के सारे एलिमेंट तोड़ रखे हैं आप लोगों ने, हर एक का निकालेंगे और जोड़ देंगे भाई, ये ऐसा कर लेते हैं, एक का निकाल ले और पूरे के लिए क्या कर दें इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बता दो, लिख लीजिए, इतना हो गया भाई, डायग्राम बना लीजिए, ये लिखवा दिए मैंने, मास एम है, रेडियस आर है, लिख लीजिए। लिखिए डिवाइड द रिंग इनटू, डिवाइड द रिंग इनटू स्मॉल एलिमेंट, डिवाइड द रिंग इन टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल, डिवाइड द रिंग इन टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल।
इस रिंग को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लिया गया, कितनी लेंथ के ऊपर भाई? डीएल लेंथ के ऊपर। समझ में आया? यस सर ना? क्वेश्चन ये है भैया, इससे डीएल का मास कितना है? कितना मास होगा? वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं। पूरी रिंग का मास तो एम है भाई। अब ये तो है नहीं कि इसका मास 2 किलो है, इसका एलिमेंट का 2 किलो होगा, ऐसा तो है नहीं। कुछ ना कुछ कमी मिलेगा इससे। तो कितना मास है अभी निकालना है? अभी कैसे निकालोगे? देखो पूरी रिंग का मास कितना है भाई? एम है। लिख सकता हूँ 2πr। रिंग का मास कितना है? एम भी। पूरी लेंथ इतनी यही है लेंथ इसकी, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं इसको। यस सर नो? एक का कितना होगा? एम बाई 2πr। और डीएल का कितना होगा भाई? मल्टीप्लाई बाई डीएल। यस सर नो? निकालना था इस तरह क्वेश्चन भी। ये क्या आ गया? ये डीएम आ गया, स्मॉल एलिमेंट का मास भी। यस और नो? अगर आपको पता है नहीं तो ब्रैकेट में लिख दीजिए साइड में इसको, इस तरीके से कैसे निकालते हैं। मैं डायरेक्ट यूज करूंगा इसको भी, आप लिख लीजिए इसको। ये आता है ना, इस लेंथ का मास इतना है, एक का कितना होगा? इतना होगा। डीएल का कितना होगा? गुणा में डीएल कर दो। निकालना आता है इस तरह की चीज़ें? यस और नो? हो गया भाई? हो गया? तो मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट कितना होगा? हो गया भाई? लिखिए मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट डीएम था ना वो, इज इक्वल कितना था भाई? एम बाई 2πr, यही था, इंटू डीएल भाई, इंटू डीएल। ये तो स्मॉल मास आ गया भाई, डिस्टेंस भी दे रखी है, मास भी है, तो इनर्शिया निकाल सकते हैं हम लोग। तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा भाई? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट भी, स्मॉल एलिमेंट इज इक्वल टू, डेट इक्वल टू लिख देते हैं, कितना आएगा? डीएम इंटू आर स्क्वेयर भाई। एम आर स्क्वेयर होता है, डीएम इंटू आर स्क्वेयर। तो डीएम कितना है? डीएम इंटू आर स्क्वेयर लिख दूं, इज इक्वल टू कितना भाई? एम बाई 2πr डीएल इंटू आर स्क्वेयर। यस सर नो? एक आर से एक आर काट दें, कटेगा तो कितना आएगा? एम बाई 2πr इंटू डीएल भाई। क्या सही लिखा है? ये हो गया भाई, ये किसका? स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी। हमें तो पूरा रिंग का निकालना है। यस और नो? तो सभी का क्या करते हैं, जोड़ देते हैं भाई हर एक एलिमेंट का, उसे अच्छा क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका। कर लोगे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू क्या करते हैं, इंटीग्रेशन डी आई। सही लिखा है, इंटीग्रेशन किसका भाई? एम बाई 2πr इंटू आर डी एल। सही है। रेंज कहाँ से कहाँ तक रखें भाई, एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक हैं? ये रिंग अभी क्लास, इसका एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट डी एल है, सारे पे काउंट करने हैं। कहाँ से कहाँ तक है एलिमेंट सारे? पूरी लेंथ पे ही है, तो जीरो से लेके कितना 2πr लिख दे तू, सारे पे एलिमेंट बना रखे मैंने। यस और नो? तो रेंज क्या रखें, जीरो से लेके 2πr तक भाई, पूरी लेंथ पे तो हैं। यस और नो? तो भैया सॉल्व करो इसको, कितना आएगा? कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लो भाई। आई इज इक्वल टू मास कॉन्स्टेंट है, 2πr कॉन्स्टेंट है, रेडियस भी कॉन्स्टेंट है भाई। क्या बच गया? जीरो से 2πr इंटीग्रेशन डीएल। डीएल कितना होता है? एल होता है। यस और नो? आई इज इक्वल टू एम आर, ये भी आर था क्या? ये 2πr है भाई, इट इज 2πr। एम आर बाई 2πr इसका हो गया एल भाई, जीरो से 2πr। पुटिंग द लिमिट्स भी, लिमिट रखनी आती है, अपर लिमिट माने से लोअर लिमिट, तो पुट कीजिएगा आई इज इक्वल टू एम आर बाई 2πr, अपर लिमिट होगी 2πr माइनस जीरो भी, अपर लिमिट माइनस से लोअर लिमिट। यस और नो? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई?
₹2.5 कट दूँ, कितना बचा एम आर स्क्वायर, यही था मैं बोला यही आएगा आंसर तो वैसे, लेकिन निकालना कैसे है सीख गए आप लोग। ठीक है, कितना आएगा एम आर स्क्वायर, समझ में आया। ये किसके अराउंड है भाई, ये रिंग है, ये पेन ऐसे पास कर रहा है यहाँ से, ये इसके अराउंड है इसका एनर्जी, ये ऐसे घूम रही है, समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके केस बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट केसेस भी। ओके, इतना हो गया भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर भी, अबाउट द डायमीटर, डायमीटर के अकॉर्डिंग करना होगी आपको। अब डायमीटर क्या होगा, एक पेन दे दे मेरे को। देखो पहले रिंग कैसे घूम रही थी क्लास, रिंग ऐसे घूम रही थी, यस और नो। अब डायमीटर कौन सा इसका, डायमीटर ये भी है ये भी है, कोई सारा डायमीटर ही तो है हर जगह पे। अब डायमीटर ये है अभी क्लास, ये ऐसे मान लेते हैं, रिंग कैसे घूम रही है, रिंग ऐसे घूम रही है। जब जिसके अकॉर्डिंग बोलते हैं ना उसके अकॉर्डिंग रिंग को घुमाना पड़ेगा आपको भी, डायमीटर ये है ना, तो रिंग का घूमने का तरीका क्या है, ये है। अब निकालना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले कैसे घूम रही थी ऐसे घूम रही थी, अब रिंग डायमीटर ये बन गया, इसके अकॉर्डिंग घुमाना है रिंग को ऐसे, तो कितना वैल्यू आएगा बताना, कर लोगे तो कैसे करोगे देखना एक बार। ये आपकी रिंग है अभी क्लास, ओके, एक डायमीटर ये बन गया, इट इज ये भी मान ले, एक डायमीटर ये बना लेते हैं, इट इज सी डी, ये रिंग होगी भी ऐसे रख दी मैंने, ये वाला ए बी ये वाला सी डी, कर लोगे। एक और एक्सिस है अभी क्लास, इसके सेंटर से पास करते हुए ऐसे, जो भी निकाला था हम लोगों ने, तो तीन एक्सिस आ रही है यहाँ पे, और तीनों एक्सिस क्या हैं, परपेंडिकुलर भी हैं, यस और नो। थर्ड एक्सिस कौन सी है, ये तो क्या लगाएं, थॉर्म कौन सी लगाएं, थॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा लेते हैं, तीनों एक्सिस आ रही हैं, तीनों एक्सिस क्या हैं, परपेंडिकुलर भी हैं, तो कौन सी थॉर्म यूज कर लेते हैं, थॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, समझ में आया। क्या बोलता है कि दो का जोड़ थर्ड के बराबर होगा, यही बोल रहा है, तो ले लीजिए भाई डायग्राम बना लीजिएगा, डायमीटर ये होंगे इसके भी, समझ में आ रहा है भाई। जब भी बोलेंगे ना कि इसका निकालिए, तो उसके अकॉर्डिंग घुमाना पड़ेगा आपको बॉडी को भी, तो कितना आंसर आएगा। मैं आपको ये बोल रहा चाहता हूँ कि जो रिंग घूमेगी वो किन तरीके से घूम सकती है भी। हो गया, अब देखिए भी, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस भी, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, क्या थ्योरम थी, देखो यहां पे जो एक्सिस पास किया था, यहां पे ये एक्सिस जो तीसरा नाम क्या दिया हम लोगों ने, वाई वाई डैश दिया था ना, लास्ट पॉइंट पे लिखा था वाई वाई डैश, कितना था भाई, आई वाई वाई डैश के बराबर इज इक्वल टू कितना आएगा, आई ए बी प्लस आई सी डी बी, याद है कि नहीं है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, यही लिखा था, समझ में आया कि नहीं आया बता दो। अरे इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं अभी, अभी निकाला, कितनी वैल्यू आई थी, एम आर स्क्वायर आई थी, कितनी वैल्यू थी इसकी, एम आर स्क्वायर। अब देखो भाई रेडियस हर जगह बराबर होगा फिर, तो क्या आई की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी हर जगह पर, तो इसकी आई डी मान लूँ, आई डी क्या है, अबाउट डायमीटर में, प्लस इसकी भी क्या है, आई डी, सेम होगी दोनों की वैल्यू, यस और नो। डायमीटर को यूज करो, आंसर वही रहेगा उसका, तो क्या ले सकते हैं यहाँ पे, एम आर स्क्वेयर इज इक्वल टू टू आई डी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई डी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, 1/2 एम आर स्क्वेयर, यस और नो। अबाउट डायमीटर का वैल्यू कितना रहेगा, 1/2 एम आर स्क्वेयर हो गया बाई सिंपल यूजिंग थ्योरम भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक तो तरीका ये था, अभी एक तरीका ये भी था भाई, ठीक है, एक तरह ये भी हो सकता है, ऐसे घुमा रहा हूँ इसके अराउंड में, नहीं समझ में आई बात, ये उंगली के अराउंड ऐसे घुमा रहा हूँ इसको,
तो ये एक्सिस कौन सी है, ये वाली एक्सिस कौन सी, ये एक्सिस कौन सी है, ये ऐसी एक्सिस है जो डायमीटर के पैरेलल है, यस और नो, और इन द प्लेन ऑफ रिंग है भाई, इसी रिंग में प्लेन में रखती है, यस और नो, डायमीटर के पैरेलल है और प्लेन के क्या है, पैरेलल प्लेन में ही है, रिंग के प्लेन, एक ये होती है, ये क्या है उसके परपेंडिकुलर है प्लेन के भी, ऐसे भी घूम सकती है रिंग, ये ऐसे घुमा रहे हैं इसको भी, इसके अराउंड, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट अबाउट द एक्सिस टू पॉइंट, अभी क्लास थर्ड पॉइंट था ये, थर्ड पॉइंट है मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ रिंग। टेंजेंट क्या होता क्लास, बड़ी टेंजेंट भाई, जो लाइन रेडियस के परपेंडिकुलर होगी वो क्या है, टेंजेंट होता है, ये रेडियस है भाई, इट इज टेंजेंट। टेंजेंट दो तरह के हो सकते हैं भाई, एक तो ये भी टेंजेंट हो सकता है, यस आर नो, ये टेंजेंट कौन सा है, इन द प्लेन ऑफ रिंग है भाई, और ये टेंजेंट कौन सा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग है भाई, यस आर नो। तो मेरे पास रिंग है भाई ऑफ रेडियस आर, तो आर के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची गई है, जो लाइन इसके बिल्कुल प्लेन में है, यस आर नो, क्या नाम दे इसको, एक्स एक्स डैश दे दे, ठीक है, ये रेडियस है, एक लाइन यहाँ से खींच दो, ये क्या है इसका डायमीटर है भाई, क्या लिया था हम लोगों, ए बी लिया था इसको, ए बी डायग्राम बनाओ, तो आपको एक्स एक्स डैश में निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, हो गया डायग्राम, समझ में आया कि घुमाना कैसे है, ये पेन है टेंजेंट इसके प्लेन में, रिंग इसके अराउंड ऐसे घूम रही है भाई, ऐसे समझ में आई बात है। तो कौन सी थ्योरम लगाऊं, दो लाइन पैरेलल है भाई, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, यस और नो, लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, according to theorem of parallel axis, क्या थी क्लास, कुछ याद है हमें, किसके अकॉर्डिंग निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू, एक था मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट द एक्सिस विच पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, कौन सी, आई ए बी प्लस मास ऑफ द रिंग एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस, ये डिस्टेंस इनके बीच की है, डेफिनेशन याद है कि नहीं है, क्या डेफिनेशन बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट द एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट द एक्सिस विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी भाई, यस और नो, प्लस मास ऑफ द मास एंड ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस भी, यही हमको डेफिनेशन बोलती है, ओके। आई ए बी के एक्चुअल में ये डायमीटर के अकॉर्डिंग था भाई, अभी निकाला था हम लोगों ने, कितना आंसर था भाई, आई एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू ये 1/2 एम आर स्क्वेयर था भाई, अभी निकाला डायमीटर के अकॉर्डिंग, प्लस एम आर स्क्वेयर भी, कितना हो गया भाई, आई एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वेयर भी, दिस इज द आंसर भी, मुश्किल है, अगर आपको थोड़ा मार रही है तो बहुत आसान टॉपिक है, समझ में आया कि नहीं आया, yes, कर लोगे, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं फिर, नेक्स्ट पॉइंट डालिए, फोर्थ पॉइंट भाई, फोर्थ पॉइंट है मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द टेंजेंट इन द प्लेन नहीं है, इज परपेंडिकुलर भाई, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, देखो कैसे होगा, नेक्स्ट पॉइंट, अभी फोर्थ पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, कैसे भाई, टेंजेंट तो ये भी हो सकता है भाई, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है,
फर्क क्या है इन दोनों में, ये टेंजेंट इसके प्लेन में है अभी और ये टेंजेंट इसके क्या है, परपेंडिकुलर है अभी। ओके अब बॉडी कैसे घूम रही है भाई, ये ऐसे घूम रही है अभी इसके अराउंड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो रोटेशन मैंने किन तरीका बताया, मैंने आपको एक ये तरीका बताया कैसे घूम रही है, एक तो ये कैसे घूम भी सकती है, एक ऐसे घूम सकती थी, अब क्या बता रहे हैं कि ऐसे घूम रही है भाई, कितने तरीके से बॉडी घूम रही है एक पॉइंट के ऊपर, कर लोगे। तो इसमें क्या हो रहा है अभी देखिए, एक रिंग है अभी और ये एक्सिस यहां पे अभी जो कि रेडियस के परपेंडिकुलर है और इसके ये ऐसे अभी ये ऐसे रखा है, ये ऐसे लाइन अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक लाइन यहां से पास कर रही है सेंटर से, ये कौन सी लाइन थी भाई, वाई वाई डैश थी ना, ये वाई वाई डैश याद आ गई, यस सर नो। अरे ये कुछ भी मान लो भाई, क्या नाम दे इसको, एम एन मान लेते हैं अभी, आपको निकालना मोमेंट ऑफ इनर्सी अबाउट एम एन भाई, कितना डिस्टेंस के बीच में हाँ भाई, क्या लगाएं कौन सी तरह लगाऊं, पैरेलल लगा देते हैं, अगेन पैरेलल है, यस सर नो, डायग्राम बनाओ, कर लोगे भाई। अब देखिए इसमें क्या होगा, कौन सी थ्योरम लगाएं, देख लीजिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पैरेलल एक्सिस लगाते हैं तो बताओ भाई कैसे निकालेंगे, आई क्या निकालना था, एम एन में निकालना था हम लोगों ने, आई एम एन इज इक्वल टू, एक तो एक्सिस जो उसके सेंटर से पास कर रही है ये कर रही है भाई, कितना है आई वाई वाई डैश प्लस मास ऑफ द रिंग और इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर भाई, यही है ना थ्योरम। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई वाई डैश, एम आर स्क्वायर था अभी प्लस एम आर स्क्वायर कितना हो गया, आई एम एन बाई इज इक्वल टू वन, सॉरी कितना हो गया भाई, टू हो गया ना, टू एम आर स्क्वायर। अगर मैंने ध्यान दिया ना, हर एक मोमेंट इनर्सी अलग आ रहा है अभी बॉडी का भी, रोटेशन के हिसाब से भी, ये भी डिपेंड करता है कि बॉक्स बॉडी को घुमाना कैसे है अभी, उस हिसाब से आई की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है अभी आपकी, ठीक है।